अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड हम जो है अंदर आ चुके हैं, इन्हें खाना पानी वगैरह वगैरह डाल देते हैं। आज ये लोग काफ़ी जल्दी ऊपर जाके बैठ गए, है ना शिवम सर? हाँ। चलो तो हम इन्हें दाना पानी डाल देते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर बत्तख वगैरह को भी डाल देते हैं, अपने चिकू को भी डाल देते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ तो वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन अब आप लोगों को लाजमी दिख रहा होगा क्योंकि आज जो है हमने फ्लैश नहीं जलाया था, तो अजान भी हो रही है, तो हम जल्दी से खाना डाल दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है अपने चीकू को खाना डाल दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चीकू जो है माशाल्लाह से बड़ा बड़ा हो रहा है, हमेशा में से इसके जो पर है अजीब तरीके से आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, मतलब सही से लाइन से भी निकल जा रहा हूँ। तो मैंने इसे भी डाल दिया, अपने चीकू को भी डाल दिया, और जो है अपनी मुर्गियों को भी डाल दिया, जिसमें से दो मुर्गियाँ तो खाने भी लग गई हैं। एक ऊपर से नीचे आ गई है, एक जो है ऊपर है। मुर्गा आएगा तो शायद वो तभी आए, लेकिन मुर्गा जो है निकम्मा निठल्ला नीचे आए नहीं। चलो अब हम अपनी डेस्क में चलते हैं कि अब तक हम जाएं और फिर राजे नीचे। देखो कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल से, ये दिल लग रहा होगा चाहिए। तो चलो छोड़ो, हम चलते हैं कि अब तक ये लोग आ जाएं नीचे। इसके साय में तो आज देखो कैसा लग रहा है, डरावना। चलो चलो दोस्तों, हमारे निकलते ही जैसे हमारे ही इधर आते ही, और ये फौरन नीचे कूद गया है, लेकिन अभी एक मुर्गी ऊपर ही है। खैर ये भी नीचे आ ही जाएगी, और जो है मैंने अपने डक्स को भी खाना डाल दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना? अच्छा, अभी ना पानी डालना रह गया। क्यों? खैर पानी जो है डक्स को शुमैसा डालती है, तो आज जो है मैं डाल रही हूँ, मुर्गों को भी नहीं डालती। लेकिन शुमैसा जब पानी गिरा डालती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गिराती है। मैंने बिल्कुल सफाई से डाला है। मैं अपने टाइटल्स में देख लेती हूँ क्या सूरत हाल है उनकी, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। भाई माशाल्लाह ये लोग पानी में हैं। सुबह तक जो आए थे हमारे बाबा, तो जब तक तो ये लोग मिट्टी में थे। खैर अब जो इनका पानी में जाने का दिल चाह रहा होगा, पानी में चले गए। इन्हें भी मैं ज़रा पूरा बाजरा डाल देती हूँ, बाजरा के लिए ऊँचा वो होता है ना दाना। कबूतरों ने देखो शिता ये क्या करा है, क्या ये देखो बीट कर दिए पूरे इधर इस वाले हिस्से पे। हाँ वो तो करिए, ये इनका दाना होता है ना, फिश का भी होता है और टर्टल्स का भी होता है, तो यही जो है मैं डाल देती हूँ इन लोगों को, ये लोग खावा लाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो है ना अपने कछुओं को ना बाहर निकाल दिया है, मतलब लियो और जुई को जो है बाहर निकाल दिया मिट्टी में से। ये जो है अब खुद ही जाएंगे पानी में, और मैंने इन्हें दाना भी डाल दिया, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? दाना वाना डाल दिया, अब ये लोग अपनी मर्ज़ी से चल जाएंगे। खैर इस वाले को जो है ना, ये छोटा वाला है, इसको ना रास्ता पता है, तो ये चल ही जाता है। ये लोग को मैंने वैसे पानी से नहीं मिट्टी से पानी में जाता हुआ देखा, पानी से मिट्टी में आता हुआ नहीं देखा है, तो मैं चाहती हूँ ये लोग ना मेरे सामने एक दफ़ा पानी में से बाहर आए मिट्टी में, तो ये खैर मैंने नहीं देखा है। और ज़्यादातर जब जब मैं आती हूँ ना, तो ये पानी में होते हैं, लेकिन आज सुबह जो है मिट्टी में थे, तो खैर थोड़ा मुझे सही लगा। और बाकी जो है हमारे डक्स जो हैं इधर हैं, देख सकते हैं आप, इधर खा रही हैं माशाल्लाह से। हमने अपने कबूतरों को भी खाना डाल दिया है। ये जो प्रिंस प्राइम के ना, ये जब खा रहा होता है ना, तो किसी को खाने नहीं देता, भले ही वो इसके बच्चे हो या कोई भी हो या कोई भी, ठीक है ना? और ये आप हमारे टर्टल्स को देख सकते हैं, ये वे लोग बड़े जो हैं सकून ले रहे हैं। यार आज बड़ा ठंडा मौसम हो रहा है ना, क्यों शुभी? ये मुझे लगता है पानी में जाएगा ये, क्योंकि ना इसी रास्ते से जाता है, घूम 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 घूम, ज़रा ऐसे देखते हैं। जाओ जाओ, इतना करीब तो आ गए, से चल कर आया यार, अब बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें
जाओ। तो सोच रहा अभी पानी में जाऊँ या नहीं, अभी तो आया हूँ पानी से बाहर। नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। तो ये ऐसे ही ना हाथ डालता है और अंदर, अब जो ये इधर आ रहा है देखते हैं इसके जाने का मूड है या नहीं। भाई तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना नहीं जाओ। बाकी चल हमने ना खाना वाना डाल दिया है, ठीक है ना। पानी भाई हमारी डग्स भी इतना गंदा करती है और ये तो इतने छोटे से, ये भी इतना गंदा करते हो जाता होगा क्योंकि जब गीली क्या कहते हैं नहीं पानी में से जब आते होंगे मिट्टी पे तो पूरा इनका मट्टी मट्टी हो जाती होगी। अभी तो खैर इतनी नहीं लगी वरना पूरे शैल वैल पर लग जाती है। फिर हम जब डालते होंगे, जब जब मैं डालती हूँ क्योंकि मिट्टी साफ़ करके डालती हूँ, इसका मतलब ही जो है खुद से मिट्टी में आए हैं और खुद से ही मिट्टी में गए भी हैं। क्योंकि मैं जब डालती हूँ ना इन्हें साफ़ करके डालती हूँ, मिट्टी छट्टी साफ़ करके डालती हूँ, है ना, इस वजह से। तो चलें बस इन्हें देने से लापिस करते हैं, बहुत रात हो गई है, बहुत रोशनी दिखा दी हम लोगों ने तुम लोगों को, ठीक है ना। और डक्स कहाँ गई, जा रही हैं अपने घर, नहीं नहीं बाजरा खाने आ गए। चलो भाई डक अल्लाह हाफिज। और जो है ना मैं आपको अपनी डक का सेटअप दिखाऊंगी सुबह, या अभी तो नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे डक में जो है सरप्राइज़ है। शमसा को भी नहीं पता है, खैर शमसा ने अंदाज़ा लगा लिया होगा, क्या बताएं। ज़ेबरा ने अंडे दे दिए, नहीं ज़ेबरा को मैंने वैगन ने नहीं देखा। चलो मैं बता दूंगी ठीक है ना, अभी सुबह ही बताऊंगी, अभी नहीं बता रही। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों हम जो है अपने डक के सेटअप पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहीं रुक जाओ तुम, यहाँ आए वो सरप्राइज तो मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो हर दफ़ा इसमें बच्चे निकलते हैं लेकिन मर जाते हैं, पता नहीं क्यों कि यहाँ ज़्यादा हैं इस वजह से ये वे कुछ भी, लेकिन इस बार इंशाल्लाह ये बच्चे जो हैं बड़े हो जाएं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे कैसे हैं। अब ये जो है मैंने उधर से निकाल लिया है। अब बच्चे बोल रही हूँ तो एक बच्चा तो होगा नहीं, तो होंगे कितने होंगे देख लेते हैं कितने होंगे। हाँ माशाल्लाह से इसमें जो हैं दो बच्चे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक ये है और एक ये है। मुझे तो ये वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वो वाइट वाइट है ना। और जो है इसमें ना एक अंडा है, इसमें से मेरे ख्याल से बच्चा निकलने वाला है। इस पर क्रैक्स ऊपर की तरह नहीं, बल्कि ये तो वही है जो ख़राब है। हाँ ये अंडा मेरे ख्याल से ख़राब हो गया, इनसे ही टूट गया होगा। इनसे इसमें कोई भारीपन भी नहीं है और बिल्कुल हल्का सा है, और इसमें से अभी तक बच्चा भी नहीं निकला है। मेरे ख्याल से तो ये ख़राब हो गया है। और बाकी जो है इस अंडे में अभी कोई क्रैक नहीं है, लेकिन ये अंडा बिल्कुल ठीक है, इसमें से जल्द बच्चा निकल जाएगा। इसमें भी कोई क्रैक नहीं है, पर ये भी अंडा मेरे ख्याल से पता नहीं ठीक है या ख़राब है। इसमें से भी निकलना होगा तो जल्दी निकल जाएगा। ये दो जो अंडे हैं मैं आपको बता दूँ कि इनमें जो है टाइम लगेगा क्योंकि ये ताज़े ताज़े अंडे हैं, एक दो दिन पहले के होंगे या तीन, ये बच्चे किस आगे किस आगे। तो इन बच्चों को मैं हाथ में भी लेके दिखाती हूँ, टेंशन नहीं लें, हाथ में लूँगी। तो अब जो है मैं इन बच्चों को निकालती हूँ, ठीक है ना। ये जो है बड़ा वाला है और ये जो है वाइट कलर का, ये जो है छोटा वाला है। माशाल्लाह से आप देखिए कितने ज़्यादा 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 क्यूट है। सबसे ज़्यादा प्यारी इनकी मुझे चोंच लगती है, देखिए कितनी सी होती है ना, दिख रही है आप लोगों को। इनकी सबसे ज़्यादा प्यारी जो होती है चोंच होती है, और ये खुद भी प्यारे होते हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ऐसे छोटे से। और जब निकलते हैं वो तो आप जानते हैं कि वीडियो में भी देखना मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत प्यारे होते हैं, जिन्हें कहते हैं ना डक के बच्चे मुझे सबसे प्यारे लगते हैं। नहीं डक के पहले अच्छे लगते हैं और फिर जो है इनके अच्छे लगते हैं। क्या है ये फिशर वगैरह ये बुढ़े मियाँ भी अंदर चले गए। इधर एक हैं दादाजी जो बिल्कुल गंजस हैं, उन्हें मैं दादाजी कहती हूँ। आपको शायद मैंने पहले बताया भी होगा या नहीं, देख रहे हैं आप लोग। मतलब फिशर वगैरह जो होते हैं ना, ये ऐसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे फिर अच्छे लगते हैं। इनके बाद मुझे बड्जी भी अच्छे लगते हैं, और जो है इनके बाद जो है मुझे किसके अच्छे लगते हैं, चूज़े तो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि बचपन से मैं चूज़े
बहुत ही ज़्यादा लाती हूँ, बड़े भी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, दोनों ही हो जाते हैं। खैर कुछ जो होते हैं जिनकी किस्मत होती है बच जाते हैं, और कुछ की किस्मत नहीं होती तो वो मर भी जाते हैं, ठीक है ना। हर मुझे चूज़े बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो है मैं बहुत ज़्यादा लाई हूँ चूज़े भी। खैर और जो है ज़्यादा हम बातें नहीं करते हैं, अपनी डेफो को दिखाते हैं। और ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, पर इन्हें रख देती हूँ ज़्यादा इन्हें ठंड वंड ना लग जाए क्योंकि छोटे से हैं। दोस्तों हमने जो है बच्चों को रख दिया है, और जो है इनके अम्मा अब्बा जो भी होंगे इधर घूम रहे हैं, और मैं आपको बता देती हूँ, ज़रा इधर आ जाइए। ये देख सकते हैं आप हमारी ज़ेबरा डफ, ठीक है ना। हमने ना पहले इसे ऊपर वाली छन्नी लगाई थी, हवा में जो होती है ये वाली छन्नी लगाई थी, लेकिन इसने इसमें बस जाती थी इधर जो है ना, इधर इसकी डंडी पर बैठ जाती थी, पर अंडे शंडे नहीं देती थी। फिर हमने नीचे कुंडा लगाया, कुंडा लगा के देखा, और जो है ना वो वाली चीज़ नहीं होती अंडे वाली, वो जो है हम इसे भी डालते हैं चूरा करके। खैर बस ये जल्दी से अंडे दे दे क्योंकि हमें इसके बच्चे देखने हैं, ठीक है। वैसे तो डफों की तरह होते हैं, लेकिन हाथ में लेकर भी तो देखने होते हैं ना, तो जल्दी से अंडे दे दे, अंडे तो देने लिए। खैर जब भी दे, अब तो हमने छोड़ ही दिया है, खैर जब देगी ना जब ही खुश होंगे। और बाकी ये जो है ये बच्चे हैं जो मैं आपको आज तक मतलब इससे पहले की वीडियोस वगैरह वगैरह में जो मैं दिखाती आई हूँ, सारे वही बच्चे हैं। ये माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं कि इनका कलर जो है परमानेंट तो नहीं आया, खैर थोड़े तो अभी भी बच्चे हैं। फिर मैं आपको और भी बच्चे दिखा देती हूँ, और इधर आ जाते हैं हम, ठीक है ना। इधर कौन से वाले मैं दिखाने हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से हाँ इसमें मुझे याद है अंडे हैं, इसमें जो है ना बच्चा है अंडर हंडिया में, तो ये जो है ना ऐसे बहुत उड़ेंगे बाहर निकल जाएंगे। तो मैं उसे बाहर निकाल के ही दिखाती हूँ। माशाल्लाह गाइस आप देख सकते हैं ये बच्चा जो इतना बड़ा है, जो आप लोगों को दिख रहा होगा, प्यारा है प्यारा, क्योंकि डफो के बच्चे मुझे प्यारे ही लगते हैं। लेकिन रेड पैड की जो बात है ना उसकी तो अलग ही होता है, उसके माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं ना क्यूट लगते हैं, क्योंकि वो पिंक टाइप होते हैं। खैर चुहिया के बच्चे तो नहीं लगते हैं, चुहिया के तो जावा के बच्चे लगते हैं, रेड पैड के तो डफ के ही बच्चे लगते हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा है, और चोंच इन लोगों की बड़ी अच्छी होती है, पतली सी छोटी सी इतनी क्यूट सी होती है ना, वाओ अच्छी होती है। चलिए तो अब हम इसे रख देते हैं, और जो है एक है रेड पैड का बच्चा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो दिखाती हूँ दोस्तों, हमने जो है बच्चा रख दिया है, ठीक है ना, बच्चा जो अपने घर में चली गया है। और बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ, दो बच्चे इधर हैं जो कि डायमंड पैड के हैं, ठीक है ना। एक नीचे बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं ये घूम रहा है, और एक जो है ऊपर डंडी पर बैठा हुआ है, ये भी दिख सकता है आप लोगों को। और जो है मैं इधर आ जाती हूँ, इधर एक बच्चा तो दिख रहा है, और एक बच्चा है ऊपर बैठा हुआ है, क्या कहते हैं इसे, हंडिया में। और जो है यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, इसमें हैं रेड पाइट के बच्चे। तो हम देखते हैं माशाल्लाह से कि वो रेड पाइट के बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, तो देखते हैं कितने बड़े हो गए। क्या कर रहा है, पहली बार करते हुए देखा इसके पास। हाँ ये कैसे नहीं बोलती हैं ऐसी, ये बोल रहा है अब रुक गया, दोबारा बोलो, आवाज़ कैसी थी ना इसकी। ज़्यादा बच्चे देख लेता रेड पाइट। हाँ माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप रेड पाइट का बच्चा, अरे कांग गया तुमने जूम करा हुआ है, ये देख सकते हैं आप रेड पाइट का बच्चा। खैर अभी तो मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा, पहले बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ जो बिल्कुल चुन्ना सा था ना, माशाल्लाह बोल देते हैं एक है बच्चा। खैर जल्दी से बड़ा हो जाए, फिर हम इसे देखते रहिए करेंगे ये बड़ा हो रहा है। और जो है अब हम इसे रख देते हैं, ठीक है ना, तो रख देते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है ना बच्चा रख दिया है, और जो है बच्चा के ऊपर जो है अम्मा के बैठेगी थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो और जो है हम और बच्चे देख लेते हैं, और किस किस के बच्चे हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं। इन दो में तो मैंने बता दिया, इसमें भी दो हैं रेड पाइट के, और जो है इसमें भी दो हैं। इसमें जो है ना एक है भाई, तुम्हारा एक भाई कहाँ है, शायद मर गया होगा, या पता नहीं अंडा ख़राब हो गया होगा, कुछ कह नहीं सकते। और इधर देख सकते हैं हम, तो हमें कुछ नहीं दिखता है, हमें किसी पता नहीं है, अंडे हैं बच्चे हैं तो पता नहीं क्या है। और जो है इधर भी अंडी बैठी हुई है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और इधर तो वही है रेड पैड का बच्चा, इधर जो है अंडी खाना खाने आई हैं, अंडे जो है अभी रखे हैं।
और इधर जो है दो बच्चे नीचे हैं, हंडिया में वही बच्चा है जो मैंने रखा था, नहीं वो मैंने हाँ इधर ही रखा था, वो हंडिया में है, तो हंडिया के दिखेगा नहीं ऐसे तो अंदर डाल के दिखाना पड़ेगा, तो इधर विधर तो ये हैं और बाकी हम औरों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इधर जो हंडिया हैं इधर खाली हैं, इधर तो है ही नहीं कोई, ये भी खाली है इधर वाले में, ठीक है ना। इधर जो है ना मतलब बच्चे जो हैं ना इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, एक हेरा और एक काएं बोरा, अंधेरे में दिख ही नहीं रहा, माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए अंडे अंडे गहरी बच्चे, और अंडे जो हैं हंडिया में इधर, और बाकी जो है इनके बच्चे पता नहीं हैं कि नहीं, शुमा इनके बच्चे हैं, अंडे हैं वीडियो में भी देखे थे। अच्छा अब बच्चा सही से नहीं, खैर इनके जल्दी से बच्चे आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनके बच्चे, है ना, आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे। और बाकी जो है ये लोग इधर बैठे हुए हैं, इधर जो है ये हैं आंटी जी, इसको ना हमने अलग क्यों रखा हुआ है, इस बिचारी को ना वो है क्या कहते हैं हाँ लकवा है, जो गर्दन गर्दन यूँ नहीं करते, ये देखिए आपके सामने कर भी रही होगी, ये देखें ये बिचारी को लकवा है, तो हमने इसे अकेला रखा हुआ है, पता नहीं लकवे की बीमारी लगती है नहीं। अब बाकी ये वाले बच्चे हैं, मतलब इसे ज़्यादातर मेरे ख्याल से चाइना डफ भी कहा जाता है, लेकिन मैं तो साधारण डफ कहती हूँ, तो ये हैं साधारण डफ के बच्चे, ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं जेब्रा डफ, और जो उससे ऊपर हमें देखने को मिल जाते हैं ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सिस्टर्स मिनी ज़ू को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको हमारे डायमंड पैट और बाकी सारे बच्चे कैसे लगे, खैर तो बता दीजिएगा, और ज़ेब्रा डेफ का बोलना कैसा लगा, खैर उसने थोड़ा सा ही बोला था ज़ेब्रा डेफ ने, तो अल्लाह हाफिज़।